तो इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे हमने यूनिट डिजिट के लिए सारे रूल्स पढ़े, 0 to 9 तक रूल पढ़े, वैसे ही अब डिविजिबिलिटी भी नंबर सिस्टम में ही एक टॉपिक है आपका। उसमें भी हम 0 से लेकर 9 तक जो भी डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट आपके पास हम रूल 4-2 पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या रूल 4-2, ठीक है। 2 के लिए क्या रूल है डिविजिबिलिटी में, ठीक है। 2 के लिए ये रूल होता है कि वो नंबर जिनका लास्ट डिजिट इवन हो, ठीक है। आपके पास कोई एक नंबर दे के रखा है, ठीक है, उस नंबर का आपने क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है, दैट इज लास्ट डिजिट देखना है, ठीक है। अगर तो उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, तो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। क्या करना है, आपने टर्म का यूनिट डिजिट देखना, और वो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर वो इवन होगा देन डिविजिबल बाय 2, ये रूल है, ठीक है। क्या चेक करोगे, सबसे पहले कोई टर्म है उसका यूनिट डिजिट देखोगे, फिर आप देखोगे कि वो यूनिट डिजिट ओड है या इवन है। बट हमें कोई ओड केस में कोई काम नहीं है, आपने देखना कि हाँ टर्म इवन है, इवन है मतलब क्या है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन है आपके पास फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपको पूछा है कि 242 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, ठीक है। क्वेश्चन इज 242 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो कैसे चेक करोगे, इन 242 को आप 2 से डिवाइड करने लग पड़ोगे। नो 242 में जो आपका यूनिट डिजिट देखो क्या है, 2 है। 2 इवन है या ओड है, इवन नंबर है। तो मैंने रूल बताया कि टर्म का जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर तो वो इवन हो गया तो मतलब कि वो क्या है, 2 से डिविजिबल होगा, तो हम सीधा लिख देंगे डिविजिबल बाय 2, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। और इसी की जगह पे अगर ओड होता, मान लो 243 होता, ठीक है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं 243 है, तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, ये ओड है। जब ये ओड है तो ओड डिविजिबल नहीं होते हैं, अगर यूनिट डिजिट की जगह ओड नंबर है तो वो डिविजिबल नहीं होगा 2 से, ठीक है। कौन डिविजिबल होगा, इवन ही डिविजिबल होगा। तो ये 2 के लिए आपका रूल था, ठीक है। जिससे आपने क्वेश्चन नहीं करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन रूल 4-3 पढ़ेंगे। सो दिस द रूल 4-3, ठीक है। रूल 4-3 क्या है, रूल 4-3 है आपके पास कि जो आप डिजिटल सम निकालोगे, ठीक है, डिजिटल सम जो आपका आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आपको डिजिटल सम कैसे निकालते हैं वो बताती हूँ मैं। क्या याद रखना है इसमें कि डिजिटल सम, ठीक है, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, है ना, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करे वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक है। 3 का रूल है मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। क्या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, डिजिटल सम, उस टर्म का डिजिटल सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्वेश्चन है आपके पास 541, ठीक है। इसी में आप डिजिटल सम देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। 541 सबसे पहले डिजिटल सम देखो ऐसे निकालते हैं, 5 कर दोगे प्लस 4 कर दोगे प्लस 1 कर दोगे, ठीक है। तो 5 और 4 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गए, 10 हो गए अगेन, ठीक है। देखो कैसे ब्रेक किया हमने, प्लस 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 लगा दिया, ठीक है। अब कितना है, 10 है। अब 10 में भी अगेन देखो ये हो जाएगा 1 + 0, ठीक है, ये आ गया आपके पास 1, क्या आ गया आपके पास 1, ठीक है। तो 1 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, 1 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये जो टर्म है ये आपकी 3 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। ये जो टर्म है आपकी 3 से डिविजिबल नहीं होगी, नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, बस इतना सा रूल है, ठीक है। क्या करोगे, डिजिटल सम निकालोगे, डिजिटल सम निकालते रहोगे। मान लो यहाँ पे 3 टर्म्स होती है, आपने 3 को फिर ऐड करना था। एक और क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन है आपके पास 681, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 + 8 + 1 होगा, ठीक है, 6 + 8 + 1 इसको जब आप ऐड करोगे दिस इज योर 15। अगेन मैंने कितना डिजिटल सम निकालना है सबसे पहले, तो दिस इज 1 + 5, 5 + 1 कितना होता है 6 होता है, तो 6, ठीक है। अब 6 जो है चेक करो 6 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, 3 का मल्टीपल है या नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो यस 3 2 का कितना होता है 6 है, इट मींस दैट 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो ये अगर आपके पास जो डिजिटल सम है ना, ये अगर आपके पास 3 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पूरी टर्म जो क्वेश्चन आपको देके रखा है ना, वो पूरी टर्म जो है आपकी वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, थ्री के लिए हो गया, रूल 4 है, फोर के लिए क्या रूल होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है, कौन से लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट जो है आपके वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। टर्म देके रखिए, कितनी मर्जी बड़ी टर्म देके रखिए और पूछा है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या देखना है उसके लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं, वो 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना है, ठीक है, और हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है देखो 6 4 5 4 6 1 3 2 0। अब देखो हमें क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द रूल इसमें यही पूछा आपके पास कि इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 20, तो 20 जो है ना वो आपका 4 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, तो यस 20 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, 20 इज डिविजिबल बाय 4 होता है ना, 4 से डिवाइड है, तो ये क्या आ गई पूरी टर्म, अगर ये डिवाइड होती है मीन दैट ये पूरी टर्म डिवाइड होती है, मतलब कि ये पूरा का पूरा टर्म जो होगा ये डिविजिबल बाय 4 है, क्यों, एज 20 इज, ठीक है, डिविजिबल बाय 4, एज 20 इज डिविजिबल बाय 4, मतलब टर्म, ठीक है, टर्म डिविजिबल बाय 4 है, 20 इज डिविजिबल बाय 4, ये रूल है, ठीक है। नाउ रूल 4 5, रूल 4 5 आपका सिंपल सा रूल है कि जो आपका यूनिट डिजिट है अगर तो वो 0 है या 5 है, ठीक है, अगर 0 हुआ इट मींस दैट होल टर्म इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, 5 हुआ तब भी वो क्या होगी 5 से डिविजिबल होगी, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, बस, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास 6 2 5 2 5 0, क्या है यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यूनिट डिजिट है ये वाला, मतलब यूनिट डिजिट है आपके पास 0। अब यहाँ पे क्या रूल था कि 0 होगा यूनिट डिजिट या 5 होगा यूनिट डिजिट, ठीक है, तब वो जो पूरी की पूरी टर्म होगी वो क्या होगी 5 के साथ डिविजिबल होगी, तो यस डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ना रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6 पे, रूल 4 6, आपको देखो 6 को ब्रेक करना है, 6 को हम और भी टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, मान लो 6 आपका 6 × 1 हम करेंगे तब भी हम 6 लग सकते हैं, 2 × 3 क्यों किया, ठीक है। रूल 4 6 ये बोलता है कि आपको 6 को ब्रेक करना है उन दो ऐसे डिजिट का यूज करके जिनका जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है, तो अब हमने 2 × 3 यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, ठीक है। अब
मतलब सिक्स का रूल क्लियरली देखो, सिक्स के में हमने क्या देख लिया कि आपको पहले तो सिक्स को क्या करना है, ब्रेक करना है किस में, दो ऐसे टर्म्स में, दो ऐसे सॉरी डिजिट में जिनका जो डिफरेंस है, जिनका माइनस जब करोगे तो कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, ठीक है जी, टू इंटू थ्री हो गया। अब अगर हमने डिविजिबिलिटी चेक कर लिया किसी टर्म के, वो सिक्स से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो टू से डिविजिबल है या नहीं है, थ्री से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, टू का रूल यूज होगा यहाँ पे और थ्री का रूल यूज होगा। ठीक है, यही टू और थ्री के कॉम्बिनेशन से ही आपका रूल फॉर सिक्स बनता है। क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, सिक्स फोर फाइव टू सिक्स वन थ्री सिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप टू, टू का जब हम इसमें रूल लगाएंगे, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ टू जब हम चेक करते थे तो क्या बोला था कि इवन है, इवन है, देन डिविजिबल बाय टू है। ठीक है, तो सिक्स, ठीक है, तो सिक्स तो पूरी तरह से टू को फॉलो करता है, रूल फॉर टू हम लगाते हैं, रूल ऑफ सॉरी फॉर टू नहीं, रूल ऑफ टू जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो डिविजिबल बाय टू है। ठीक है, डिविजिबल बाय टू है। ठीक है, किसके लिए चेक करना है, डिविजिबल सिक्स और नॉट। ठीक है, तो पहले यहाँ पे किस चीज का रूल यूज किया, टू का यूज किया, टू का जब आपने रूल यूज किया यहाँ पे तो ओड इवन का कंसेप्ट यूज करके, ठीक है, रूल फॉर ऑफ टू जो है आपका, उससे शो होता है कि ये जो सिक्स है ना, ये डिविजिबल बाय क्या है, टू, इट मीन्स दैट द होल टर्म इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है, क्या है ये आपका इवन है, ठीक है, और टू का रूल क्या बोलता है कि अगर आपका यूनिट डिजिट इवन है, इवन है तो वो टू से डिविजिबल होता है, तो पूरी टर्म टू से डिविजिबल हुई। अब यहाँ पे रूल ऑफ थ्री जब हम यूज करेंगे, इसका हम डिजिटल सम भी निकालेंगे देखो, या फिर पेयरिंग करके भी कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल सम भी आप निकालोगे तब भी क्या होगा, ये आपका डिविजिबल बाय थ्री होगा। एक और रूल फॉर थ्री, रूल ऑफ थ्री, और एक नया रूल भी है थ्री का, वो भी आप यहाँ पे देख लो, चेक कर लेते हैं। सिक्स फोर है, फाइव टू है, सिक्स वन थ्री सिक्स है। देखो पेयरिंग करनी है, पेयरिंग आपने करनी है, किस तरीके से पेयरिंग करोगे, पेयरिंग आपने करनी है, या तो थ्री बनना चाहिए, या तो सिक्स बनना चाहिए, या तो नाइन बनना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखना आप, सिक्स सेवन एट नाइन है ना, ये दोनों क्या फॉर्म कर रहा है, नाइन फॉर्म कर रहा है। अब ये देखो सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, इससे ये कैंसल आउट हो गया, और फाइव और फोर कितना होता है नाइन, ये भी कैंसल आउट हो गया, तो ये होगी पेयरिंग। पेयरिंग थ्री जो रूल मैंने आपको बताया था ना डिजिटल सम करके निकालना, उसमें आप सेकंड रूल ये भी आप ध्यान में रख लो कि हम पेयरिंग करके भी कर सकते हैं। पेयरिंग आपने थ्री की सिक्स की फॉर्म में, नाइन की फॉर्म में करनी है। अब यहाँ पे देखो हम नाइन का कर रहे हैं, ठीक है, ये दो नाइन फॉर्म कर रहे हैं, देन ये तीन नाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो ये से कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी नाइन फॉर्म में कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है सिर्फ सिक्स। ठीक है ना, आप देखो तो क्या था होता था लास्ट में, जब हम डिजिटल सम भी निकालते थे तो लास्ट में हम देखते थे कि वो लास्ट वाला जो बचा वो डिविजिबल है या नहीं है, तो सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री, मीन्स दैट द होल टर्म, ये सिक्स बचा ना, तो सिक्स जो है वो डिविजिबल बाय थ्री है ना, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो थ्री से डिविजिबल होगी, जब ये थ्री से भी डिविजिबल हो रही है, ये टू का हम रूल यूज कर रहे हैं तो टू से भी डिविजिबल हो रही है, इट मीन्स दैट क्या कि ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो टर्म है ना, ये आपका डिविजिबल बाय सिक्स है, तो यस डिविजिबल बाय सिक्स, ठीक है, डिविजिबल बाय सिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल फोर सेवन, रूल फोर सेवन सेवन के लिए देखो क्या रूल है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन से समझाते हो, आपके पास थ्री फाइव फोर टू है। ठीक है, स्टेप नंबर वन में आपने करने थ्री फाइव फोर, ये फर्स्ट टर्म्स ली तीन, ठीक है, मतलब आपने जाए जितनी मर्जी टर्म हो, ठीक है, आपने लास्ट जो टर्म होगी उसको
जो बाकी पीछे वाली जो टर्म्स बची उससे क्या कर दोगे, लास्ट वाली टर्म का डबल करके माइनस करोगे। ठीक है, क्या करना है, जो आप आपके पास जो भी गिवन टर्म देके रखी होगी आपने उसमें उसकी लास्ट डिजिट इनकी यूनिट डिजिट देखना, उस यूनिट डिजिट का क्या करना है, डबल करना है। डबल करने के बाद जो आपके प्रीवियस में जो नंबर बचे ना उनसे उसको माइनस कर दो। मतलब यहाँ पे जैसे 3542 है, 2 का डबल क्या हो गया 4 हो गया, तो 354 माइनस 4। ठीक है, 354 माइनस 4 करोगे यहाँ पे बचेगा 350। अगेन रिपीट करोगे 35, ठीक है इसको, तो यहाँ पे बचा 35। अब ये देखो इस 35 को, कि 35 इज डिविजिबल बाय 7, हाँ है, अगर 35 इज डिविजिबल बाय 7 है तो इट मीन्स दैट द होल टर्म इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, होल टर्म इज डिविजिबल बाय 7, और ये जो आपके पास था ना यहाँ पे 0, आप बोलोगे 0 0 भी डबल किया क्या, हाँ 0 की जगह पे 1 होता तो वो भी आपने डबल ही करना था, क्योंकि आपको देखो सबसे पहले स्टेप पे मैंने यही बताया कि 2 है, 2 का क्या हमने डबल किया तो कितना हो गया 4 हो गया है ना, 4 से इसको माइनस कर दिया जो प्रीवियस वाले आपके पास नंबर थे। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट में आप चलोगे, आगे आपके पास 350 यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 0 को डबल करोगे तो भी 0 रहेगा, ट्रिपल करोगे तो भी 0 रहेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे लाइक मान लो 1 होता, 351 होता, तब 1 का डबल कर देना था, 2 हो जाना था वो, ठीक है 2 होगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अगर 0 की जगह पे कोई और नंबर आएंगे तो डबल करना है उसको। ठीक है, अब आपके पास आता है रूल 48 और रूल 49। तो रूल 48 है, रूल 48 है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। लास्ट के डिजिट 3 डिजिट, 3 लास्ट के जो डिजिट है वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देख लो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास 512064 है, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करो ये डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है। 8 का कितना होता है 64, यस तो डिविजिबल बाय 4 है, तो पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, डिविजिबल बाय 8 होगी। फिर आता है रूल 49 एंड द लास्ट रूल। रूल 49 ये है कि डिजिटल सम जो है वो मस्ट बी 9 आना चाहिए, और 9 के लिए भी सेकंड रूल मैंने जो आपको 3 में बताया कि पेयरिंग करो वो, ठीक है ठीक है। जैसे हमने 3 में क्या किया था, उसका जो डिजिटल सम एक तो हम वो चेक कर रहे थे, दूसरी साइड हम उसके क्या कर रहे थे पेयरिंग करके, तो सेम यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन इसमें पेयरिंग करके ही आपको मतलब ज्यादा बेटर रहेगा अगर 9 का करोगे तो। एग्जाम्पल आपके पास देखो जैसे 18 76 2 3 4 2 5 7 7 7 और 2 9 बना रहे हैं, 5 और 4 9 9 9 बन रहा है ना 9, तो ये कैंसिल होते चल रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ये कैंसिल हो गए ऊपर की, ठीक है ना। 8 और 1 अगेन कितना होता है 9, तो ये जो देखो पेयरिंग करी है आपने ये सारा एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, इट मीन दैट इट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो पेयरिंग में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही टर्म पकड़नी है आपने एक ही मतलब की, ठीक है। तो यहाँ पे 9 में आपने 9 की पेयरिंग करके चेक कर लेना है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें आपका लास्ट जो है वो रिमाइंडर का रहता है, वो हम कर लेंगे।